हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। वेलकम है सभी का मेरे चैनल में। तो कैसे हैं आप फ्रेंड? और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारे यहाँ की कांवड़ यात्रा। हमारे यहाँ बहुत ही विशाल बड़ी भव्य कांवड़ यात्रा निकलती है, और आज है शिवरात्रि, और शिवरात्रि वाले दिन ही निकलती है ये। तो यहाँ पर भीड़ काफ़ी है और आवाज़ भी काफ़ी हो रही थी, इसीलिए मैंने पीछे की आवाज़ थोड़ी म्यूट की हुई है। और वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो प्लीज़ बने रहिएगा पूरी वीडियो में। तो चलिए दर्शन कीजिए मेरे साथ महादेव जी। फ्रेंड्स, अभी हम जा रहे हैं मंदिर में, वहाँ पर भी बहुत सारे श्रद्धालु आपको मिलेंगे, बहुत सारे भक्त मिलेंगे, तो बने रहिएगा वीडियो में। और मंदिर में आ चुके हैं हम, आप देख सकते हो मंदिर में भी कितने भीड़ है, कितने श्रद्धालुगण और कितने कांवड़िए आए हुए हैं। यहाँ पर भी काफ़ी भीड़ है, लेकिन यहाँ पर तो थोड़ा हम जल्दी आ गए थे मुहूर्त से पहले। 8 बजे का मुहूर्त है ना जल चढ़ने का, और हमारे बाद तो काफ़ी भीड़ हो गई थी, और हमने तो चढ़ा लिया है जल, आराम से चढ़ा लिया, अच्छे से भगवान जी के, शिव जी के दर्शन कर लिए हैं। तो मैं आपको चारों तरफ का व्यू दिखाऊंगी, क्योंकि अंदर का तो दिखा नहीं सकती, अंदर तो काफ़ी भीड़ लगी हुई है। और ये मंदिर के पहाड़ का है, यहाँ पर साइड में भंडारे भी चल रहे हैं, और ये जो सारे भक्तगण बैठे हैं प्रसाद लेने के लिए बैठे हुए हैं, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई। ये ना प्राचीन शिव मंदिर है, इस मंदिर की बहुत ज़्यादा मान्यता है, इसीलिए जो भी जल लेने जाता है कांवड़िया और जो भी आसपास के श्रद्धालु होते हैं वो सब यहाँ पर आते हैं, इसीलिए यहाँ पर ज़्यादा भीड़ होती है। आप देख सकते हो कितनी भीड़ है, ऐसा लगता है मानो पूरे शहर के लोग यहीं आ गए हों, कोई भी अपने घर में ना हो। मतलब शिवरात्रि के दिन सब शिव मंदिर में मिलेंगे। ये देखो, मतलब पैर रखने की भी जगह नहीं है। जब हम आए थे जब इतनी भीड़ नहीं थी, लेकिन जब निकले तो बाप रे, बिल्कुल भी पैर रखने की जगह ही नहीं थी, निकलने की भी जगह नहीं थी कि कैसे निकला जाए, कहाँ पर निकला जाए, क्योंकि बिल्कुल खचाखच मंदिर पूरा भक्तों से, श्रद्धालुओं से पूरा भरा हुआ था। आने जाने की लाइन का भी नहीं पता चल रहा था कहाँ है क्या है।
और ये मंदिर के बाहर का व्यू है, आप देख सकते हो मंदिर के बाहर कितनी सारी लाइनें लग रही हैं। ये उधर की साइड का है और इधर की साइड मतलब आधी जो सड़क थी ना उस पर लाइन ही लगी हुई थी। और ये बिल्कुल मंदिर सामने से मैं आपको दिखा रही हूँ कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। और फ्रेंड्स अभी हम चलेंगे लाइन के साथ साथ, अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितनी लंबी लाइन लगी है। और जहाँ तक ये लाइन लगी है मुझे ऐसा लगता है इनका तो 2-3 घंटे तक नंबर भी नहीं आएगा। तो आप चलते रहिए मेरे साथ और मैं पूरे मतलब हम तो बाहर निकल रहे हैं और दिखा रही हूँ मैं कितनी लंबी लाइन है। और मैं लाइन के साथ साथ और म्यूजिक इतनी तेज़ था ना, ये मैंने 50% से भी बहुत कम आवाज़ की हुई है तब जाके इतनी आवाज़ आ रही है। ये लाइन तो खत्म ही नहीं हो रही। नहीं होने की, इतनी लंबी लाइन है। हाँ बहुत लंबी लाइन लग रही है। लंबा नहीं पड़ जाएगा उधर से? अरे चलो तो पूरी भीड़ को लेके जाओगे क्या घर? पता तो चला कहाँ तक की लाइन। 1 मिनट बताओ दी, सड़क तो लाइन नहीं गिर रही तो रात के मेरे घर से पूरी रात तो चलेगी। हाँ आप प्रसाद ही नहीं मिलेगा ये जो खड़े लाइनों में। फ्रेंड्स देखो लाइन इतनी लंबी है ना, कम से कम 2-3 घंटे तक इनका नंबर नहीं आने वाला। कम से कम ये 1 किलोमीटर लंबी लाइन तो होगी। अभी बज रहे हैं 8 बज रहे हैं तो कम से कम 10 बजे तक इनका नंबर आएगा। और देखो कुछ लाइन तो मैंने बीच में शूट भी नहीं की है, काफ़ी लंबी लाइन है। काफ़ी मतलब ये हर साल इतनी ही लंबी लाइन लगती है, हर साल कम नहीं होती बल्कि बढ़ती ही है। तो फ्रेंड्स मैं अपने व्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलते हैं एक अच्छी सी वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।